पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उसे 10 वर्षों में समाज के आखिरी व्यक्ति तक लेकर जाना, उन्हें योजनाओं के बारे में अवगत कराने, नए लाभार्थियों को चिन्हित करना, ज्यादा से ज्यादा पात्र लाभार्थी का फीडबैक प्राप्त करना संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। कहा कि उनकी कोशिश है कि जो विभिन्न लाभपरक योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी उठाए और नए लाभार्थी भी योजना का लाभ आसानी से उठा सके। कहा कि जब सारे लोग मिलकर इसमें जनभागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है कि अगले 25 वर्षों में लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण बदलाव हो, उस लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। केंद्रीय मंत्री ने करौंदिया में आयोजित जनजातीय सम्मेलन को भी संबोधित किया है। लोगों से आह्वान किया है कि वह सजग नागरिक का दायित्व निभाते हुए विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करें। पीएम मोदी के विजन और केंद्रीय योजनाओं से लोगों को अवगत कराते हुए कहा कि 25 वर्षों में देश को आज पहचान मिलेगी अलग ही। आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा मिल चुका होगा। भारत को अगले 25 वर्षों में विकसित भारत में तब्दील करने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने 142 करोड़ परिवारजनों को दिलाया है और हमारी सरकार ये मानती है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए समस्त देशवासियों के भागीदारी की आवश्यकता है। भारत सरकार ने जो पिछले 10 वर्षों में तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उनको लास्ट माइल सैचुरेशन तक लेकर जाना, योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, नए पोटेंशियल बेनिफिशरीज को चिन्हित करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पात्र लाभार्थी हैं उनके फीडबैक को प्राप्त करना इस यात्रा का उद्देश्य है। हमारी कोशिश है कि जो भी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, या महिला कल्याण से जुड़ी हुई अलग अलग विभिन्न योजनाएँ हैं, मातृवंदन योजना से लेकर जो तमाम हर घर नल से जल पहुँचाने की योजना हो, इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभार्थी हैं इसका लाभ उठाएं और जो नए लाभार्थी हैं उन तक भी इन योजनाओं का लाभ हम पहुँचाया जा सके। जब सारे लोग मिलकर इसमें अपनी जन भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो अगले 25 वर्षों का जो हमारा संकल्प है कि लोगों के जीवन में एक गुणवत्तापूर्ण बदलाव हो, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे।